आज हम धैर्य का पाठ से एक मौखिक परीक्षण लेंगे। मृदुस्मिता चौधरी हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर बताएंगी। पहला प्रश्न का, गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे? गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य को क्या कहा? बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आओ। शिष्य जल लाने के लिए कहाँ गया? शिष्य जल लाने के लिए एक छोटा सा पोखर के पास गया। पोखर का जल गंदा क्यों हो गया? पोखर में एक बैल जल पी रहा था, शिष्य वहीं से जल लाने के लिए आगे बढ़ा। शिष्य को देखकर बैल डर गया और जल पोखर से होता हुआ निकल भागा, इसलिए पोखर का जल गंदा हो गया। वेरी गुड। उसके बाद प्रश्न नंबर हुआ, अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा? अंत में बुद्ध ने शिष्य से कहा कि इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। वेरी गुड। अंतिम प्रश्न च, बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का सिर प्रश्न हो गया। वेरी गुड। सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने सही दिया, ताली बजाओ।